साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। साथियों आपकी पीसीएस परीक्षा को टारगेट करके जो स्पेशल टॉपिक्स की सीरीज है उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। ये जरूर पूछे जाते, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म इससे आता है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों से आइए देखते हैं पहला कौन सा है। पहला ये राज्य ललित कला अकादमी, कौन सा है? राज्य ललित कला अकादमी, जो कि लखनऊ में है। और इसका ईयर तो बहुत ही कम पूछा जाता है, हो सकता है किसी एकाद का ईयर पूछे, नहीं तो ये लोकेशन ही पूछता है। तो राज्य ललित कला अकादमी कहां पर है? ये लखनऊ में है, ठीक। और जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? ये भी लखनऊ में है, ठीक। चलिए हम आपको ईयर भी बताते चल रहे हैं, क्या पता पूछ ही ले। ये जो है 1969 में इसकी स्थापना की गई, ठीक। और ललित कला अकादमी की 1962 में, यानी कि पहले जो है राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वो जो है लखनऊ में की गई। और कब की गई? 1969 में, ठीक। अगला है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार। तो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो है ये कहां पर है? ये प्रयागराज में है। और ये कब स्थापित किया गया? 1947 में जो है स्थापित किया गया ये उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कब स्थापित किया गया? ये 1957 में स्थापित किया गया और जो है ये लखनऊ में स्थापित किया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थापित किया गया और 1957 में स्थापित किया गया। इसी 1957 से एक क्वेश्चन याद आ गया हमको, तो हम बता दें आपको। ये जो अपने उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे जी बी पंत, तो इनको जो है भारत रत्न कब दिया गया था? ये 1957 में दिया गया था, ठीक। वहां से हमको थोड़ा सा लिंक हुआ था, हम सोचे आपको बता देते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान साथियों ये लखनऊ में लोकेटेड है और इसकी स्थापना 1990 में की गई। कब की गई? 1990 में की गई। और कहां पर है ये जो है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान? लखनऊ में है, ठीक। अगला है ये पूर्व नाम इसका था उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी है इसका पहले नाम क्या था? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। तो प्राचीन नाम से नहीं पूछेगा, अब इसी नाम से पूछेगा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ठीक। अगला है कुषाण एवं गुप्त का गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय। तो कुषाण एवं गुप्तकालीन गुप्त युगीन का एकमात्र संग्रहालय ये कहां पर है साथियों? ये मथुरा में है, ठीक। कुषाण एवं गुप्त से संबंधित संग्रहालय कहां पर है? मथुरा में है। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो एक चीज आप लिंक करिए, ये जो है कला और जो है नाटक नाट्य सब जितने भी अभी तक मिले ये कहां पर लोकेटेड है? ये लखनऊ में अभी तक है, ठीक। तो इसकी भी स्थापना कब हुई? 1975 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी, ठीक। अगला संस्थान है राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है? ये भी जो है अपने लखनऊ में है। कहां पर है राष्ट्रीय कथक संस्थान? लखनऊ में है। अगला है जनजातियों लोक कला संस्कृत संस्थान। तो जनजातियों लोक कला संस्कृत संस्थान कहां पर है साथियों? ये भी जो है लखनऊ में लोकेटेड है, ठीक। अगला है तबला एवं सितार का आविष्कार। तो तबला एवं सितार का आविष्कार अपने उत्तर प्रदेश में किसने किया? इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये जो है अमीर खुसरो है और इन्हीं को जो है खड़ी बोली का प्रवर्तक भी माना जाता है। खड़ी बोली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। और तबला और सितार का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था, ठीक। अगला है कला एवं शिल्प महाविद्यालय। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहां पर है अपने प्रदेश में? ये जो है लखनऊ में है। और कब इसकी स्थापना किया गया? ये 1911 में किया गया, ठीक। अगला है अयोध्या शोध संस्थान। तो अयोध्या, जैसा कि नाम से ही है अयोध्या शोध संस्थान, तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये अयोध्या में है अयोध्या शोध संस्थान, और जो है 1986 में यह स्थापित किया गया, ठीक। अगला है भारत खंडे संगीत संस्थान। तो भारत खंडे संगीत संस्थान कब स्थापित किया गया? ये 1966 में स्थापित किया गया और इसका पूर्व नाम क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। पूर्व नाम इसका क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। और स्थापना इसकी कब हुई थी? जब पूर्व नाम इसका पहले स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी, ठीक। और वर्ष 1966 में नाम बदलकर भारत खंडे संगीत संस्थान रखा गया। तो भारत खंडे संगीत संस्थान जो है
ये भी कहां पर है साथियों, ये भी जो है लखनऊ में है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, ठीक। और इसमें क्या है ये आगे, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम। तो उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई, ये 1975 में हुई, चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई, ठीक। अगला है भारतीय कला भवन। तो भारतीय कला से संबंधित भवन कहां पर है, ये जो है साथियों वाराणसी में है, और कब स्थापित किया गया, 1920 में जो है भारतीय कला भवन स्थापित किया गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है साथियों ये उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य हैं और जो कहां पर किए जाते हैं वो है, ठीक। तो कर्मा नृत्य कहां पर किया जाता है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है कर्मा नृत्य, ठीक। अगला है कार्तिक गीत। तो कार्तिक गीत कहां पर गाया जाता है, ये बुंदेलखंड में गाया जाता है कार्तिक गीत, ठीक। अगला है सैरा नृत्य, कौन सा है सैरा नृत्य, तो ये कहां पर किया जाता है, ये बुंदेलखंड में किया जाता है सैरा नृत्य, ठीक। अगला है धोबिया राग नृत्य। तो धोबिया राग नृत्य, धोबी, अच्छा ये किस लिए किया जाता है, कभी कभी इसका उद्देश्य पूछा जाता है धोबिया राग नृत्य का। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी कि पूर्वांचल में ये धोबी और गधे से उसको संबंध को जताने के लिए, दर्शाने के लिए, शो करने के लिए ये किया जाता है धोबिया राग नृत्य, ठीक, या इसको धोबिया नृत्य भी बोलते हैं। अगला है दिवाली नृत्य। तो दिवाली या दीपावली नृत्य कहां पर किया जाता है, ये बुंदेलखंड में किया जाता है साथियों, कहां किया जाता है, दिवाली या दीपावली नृत्य बुंदेलखंड में, ठीक। अगला है चौरसिया नृत्य। तो चौरसिया नृत्य जो है ये जौनपुर में किया जाता है उत्तर प्रदेश के, जौनपुर जो है पूर्व का सिराज कहा जाता है, और इसे किस पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता है, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी इसलिए जो है जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था, ठीक। अगला है नटवरी नृत्य। तो नटवरी नृत्य भी जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कौन सा है ये, नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगला है साथियों राई नृत्य। तो राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड में, देखिए ये जो नृत्य हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछे गए हैं उसी को केवल मुख्य मुख आपसे डिस्कस किए हैं, और नहीं तो वैसे प्रश्नों वाली क्लास आपकी यूपी जीके की चलती है, आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक। तो इसके सीरीज में अगला कौन सा है, पाई डंडा नृत्य। तो पाई डंडा नृत्य जो है कहां पर होता किया जाता है, ये बुंदेलखंड में किया जाता है पाई डंडा नृत्य, ठीक। अगला है चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य भी बार बार पूछा गया है तो इसको भी आप याद रखेंगे, चरकुला नृत्य कहां पर किया जाता है, ये ब्रजभूमि में किया जाता है चरकुला नृत्य, ठीक। तो ठीक है, इस क्लास में हमने आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और जो है उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य डिस्कस कर लिए। तो जो है अगर वीडियो तो वैसे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, फिर भी अगर आपको लगे तो दो गुना स्पीड करके आप इसको देखकर और रिकॉल कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।